अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। पेट्रोल डीजल के दाम में आज भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 80 पैसे बढ़ाए गए हैं जबकि डीजल के दाम 70 पैसे बढ़ाए गए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल 100.21 रुपए प्रति लीटर हो गया है, वहीं डीजल 91.47 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सरसों तेल, तिलहन और सोयाबीन तेल कीमतों में गिरावट आई है। वहीं घरेलू मांग होने की वजह से मूंगफली तेल तिलहन सोयाबीन तिलहन कीमतों में सुधार आया है। बेहद मामूली कारोबार के भी सोयाबीन इंदौर और सोयाबीन डिगम तेल सहित बिनौला सीपी और पामोलिन तेल की कीमतों में पूर्व स्तर पर बनी रही। आज सराफा बाजार में सोने और चांदी के भाव में गिरावट नजर आई है। ज्वेलरी बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 51,509 रुपए के ऊपर चल रहा है, वहीं चांदी का रेट 67,344 रुपए पर चल रहा है। 24 कैरेट सोने का भाव 51,509 रुपए पर खुला। देश का प्याज उत्पादन जुलाई 2022 से शुरू होने वाले फसल वर्ष में 16.81% बढ़कर 3.11 करोड़ टन रहने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के जारी आंकड़ों में ये जानकारी मिली है। मंत्रालय ने बयान में कहा है कि देश में 2021-22 के फसल वर्ष में प्याज उत्पादन 2.66 करोड़ टन रहने का अनुमान है। कॉटन में जोरदार तेजी देखने को मिली है। एमसीएक्स पर कॉटन नए रिकॉर्ड के हाई पर कारोबार करती दिखाई दी, वहीं आईसीई कॉटन जून 2011 के हाई पर कारोबार करता नजर आया है। कमजोर सप्लाई मजबूर डिमांड से कॉटन की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। दुनिया में गेहूं की कीमतों में तेजी जारी है। गेहूं का भाव $11,000 के पार निकला है। रूस यूक्रेन जंग से गेहूं में तेजी जारी है। रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण गेहूं की सप्लाई रुकी है। सप्लाई रुकने की वजह से गेहूं की कीमतों में उछाल आया है। दुनिया में गेहूं के पैदावार में चीन पहला और भारत दूसरा देश है। खाद्य तेलों में घटे दामों पर छुटपुट मांग निकलने और सप्लाई कम होने के कारण हाजिर बाजार में सोयाबीन और मूंगफली तेल की कीमतों में सुधार रहा। मूंगफली तेल इंदौर 10 रुपए बढ़कर 1590 से 1600 और सोया तेल इंदौर 5 रुपए बढ़कर 1520 से 1525 रुपए प्रति 10 किलो पर पहुंच गया है, जबकि विदेशी बाजारों में खाद्य तेल के दाम कुछ कमजोर बताए गए। देश खेती किसानी में आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है। एक तरफ कृषि मंत्रालय ने देश में रिकॉर्ड 306 मिलियन टन खाद्यान्न के उत्पादन होने का अनुमान लगाया है, वहीं दूसरी तरफ देश में बागवानी फसलों का रकबा और उत्पादन बढ़ा है। देश भर में महंगाई की मार पड़ रही है। पहले पेट्रोल डीजल दूध गैस सिलेंडर, फिर खाद्य पदार्थ और अब सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। सब्जियों की कीमतों में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है, वहीं नींबू अब 200 रुपए में मिलेगा। वैश्विक बाजार में गेहूं की बढ़ती मांग का फायदा उठाने के लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। रूस यूक्रेन में लड़ाई के चलते गेहूं की सप्लाई पर इसका असर पड़ा है। रूस और यूक्रेन गेहूं के दो बड़े सप्लायर हैं। सप्लाई घटने से ग्लोबल मार्केट में गेहूं की कीमत बढ़ गई है। इधर इंडिया के पास गेहूं का अच्छा स्टॉक है, ऐसे में सरकार ने मौके का फायदा उठाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। तो कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों में आज बस इतना ही, और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।